सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको होम थिएटर का पार्ट्स दिखाने वाला हूँ जो कि यूज़ होगा एक नॉर्मली 2.1 होम थिएटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो कंपोनेंट है वो ये सबवूफर अल्पाइन कंपनी का लिया है। गाइस, ये ओरिजिनल सबवूफर है जो कि 4.5 इंची का है। गाइस, अगर आपको इसका ओरिजिनल प्राइस जानना है और सही रेट जानना है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा और उसमें आपको क्वेश्चन पूछना है, तो मैं आपको एकदम एग्जैक्ट इसका जो प्राइस लगा है वो मैं आपको बता दूंगा। और मैं जोरहाट असम में रहता हूँ तो वहाँ का प्राइस मैं आपको बता दूंगा क्या है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये 4 ओम्स 30 वाट 2021 में बन गया है, मैनुफेक्चर हो गया है। तो ये बात बहुत अच्छा लगा मुझे, 2021 का है, अभी न्यू बन के आया है स्पीकर सबवूफर। ये देखिए गाइस, एक इसका लुकिंग बहुत बढ़िया है। तो देखिए, इसका ये पर्दा बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, 4 ओम्स 30 वाट सबवूफर अल्पाइन। तो फ्रेंड्स, ये सबवूफर आप देख सकते हैं किस तरीका का है। और फ्रेंड्स, मैं इसका टेस्टिंग वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो साउंड टेस्टिंग है वो करके दिखा दूंगा। वैसे ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। और अगला कंपोनेंट के और चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला कंपोनेंट है ये हमारा ट्रांसफॉर्मर 12012 3 एम्पीयर का। यहाँ पे 350 रुपये लगा है, लिखा हुआ है, बट इसका प्राइस कम लगा है। तो अगर आपको जानना है कितना लगा है प्राइस, तो आप मेरे जो इंस्टाग्राम है उस पर चले जाइए, इंस्टाग्राम आईडी पे, और क्वेश्चन करिए तो मैं आपको बता दूंगा। गाइस, ये देखिए, ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर है। गाइस, मार्केट में ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर मिलना मुश्किल है, लेकिन ये देखिए अल्पाइन कंपनी का है। अल्पाइन नहीं, SKE कंपनी का है जो कि ओरिजिनल है और कॉपर का है। गाइस, मैंने इसे चेक कर लिया, ये प्योर कॉपर ही है इसमें, ना कि क्या बोलते वो सिल्वर का यूज़ नहीं किया है, अल्मोनियम का। फ्रेंड्स, ये जो रेड वाला वायर है वो आपका 240 वोल्ट यानी मेन लाइन में लगेगा, और यहाँ पे 12012 जो कि आउटपुट है, और इसे प्योर DC बनाने के लिए हम जो ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। अगर नहीं जानते उसके बारे में तो आप YouTube पे ही सर्च करके उसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगला कंपोनेंट की ओर चलते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट आप देख सकते हैं 3 इंची का स्पीकर ऊपर है, ऊपर नहीं स्पीकर है। तो मैं आपको ये ट्विटर स्पीकर दिखा देता हूँ, इसे ट्विटर की तरह हमें यूज़ करना है होम थिएटर में। ये देखें गाइस, इसका मैग्नेट काफ़ी बड़ा है। लोकल स्पीकर जो होता है चोर बाजारी वाला टाइप का, उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल ही एकदम घटिया क्वालिटी का मैग्नेट रहता है उसमें, एकदम छोटा सा। बट ये अल्पाइन कंपनी है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ, मुझे इसका क्वालिटी बहुत अच्छा लगा है। और ये 10 वाट का स्पीकर है जो कि मैं ट्विटर के लिए यूज़ करूँगा। और गाइस, इसमें अगर आप इस स्पीकर को यूज़ कर रहे हैं, 10 वाट का अगर स्पीकर आप यूज़ कर रहे हैं, 4 स्पीकर अगर यूज़ करते हैं, तो गाइस आपको ये कैपेसिटर का भी यूज़ करना पड़ेगा ट्विटर के लिए, तो गाइस आपका आवाज़ बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए गाइस, वैसे 4.7 UF 63 वोल्ट का कैपेसिटर है जो कि सीरीज में आप कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल, जिसमें USB TF मोड, रेडियो, ऑक्स सब कुछ है अवेलेबल। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ निकाल के। वैसे ये भी अल्पाइन कंपनी का है। गाइस, आपको अल्पाइन कंपनी का थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, बट है बढ़िया क्वालिटी में, आप देख सकते हैं प्रीमियम, एकदम प्रीमियम लुक है इसका। देखिए गाइस, फ्रेंड्स ये इसका रिमोट, वैसे रिमोट काफ़ी बढ़िया है, तिरंगा रंग का, और ये वायर्स है। मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अगले कंपोनेंट की ओर। फ्रेंड्स, अभी होम थिएटर का सबसे मेन और अहम चीज़ आ रहा है जो कि ये 2.1 होम थिएटर बोर्ड। इसमें देखिए 2 IC लगा हुआ है और 1 IC आपका, 3 IC लगा हुआ है, 2 IC आपका स्पीकर के लिए हो जाता है और 1 IC सब ऊपर के लिए हो जाता है। फ्रेंड्स, आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, इसमें कनेक्टर्स का अवेलेबल है और ये काफ़ी सस्ता है बोर्ड। आप इसे online365.com से मंगवा सकते हैं,
तो मैंने वहीं से मंगवाया है ये वाला। और इसमें कनेक्टर्स दिया 12.0.12 का कनेक्टर्स, जो कि यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एक आईसी दिया हुआ है जो कि ये सब ऊपर को फ़िल्टर करता है, सब ऊपर में जाता है फ़िल्टर होके। और इसमें जो कैपेसिटर यूज़ है काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का, ऐसे देख सकते हैं। ये ऑरेंज कलर का कैपेसिटर कोई कंपनी का याद नहीं आ रहा, बट ये कैपेसिटर बहुत बढ़िया है। बस ये वाला कैपेसिटर जो आप देख रहे हैं, ये कुछ अच्छा क्वालिटी का लगा देता तो अच्छा होता। वैसे भी ये कैपेसिटर ठीक है, 3300 UF का, जिसमें 3 एम्पीयर का हम ट्रांसफार्मर ईजिली लगा सकते हैं। अगर हीट सिंक की बात करें तो ये देखिए हीट सिंक। ऐसा आप सोच रहे होंगे जो हीट सिंक में गैप गैप क्यों दे दिया है, गैप नहीं देना चाहिए, मोटा करके देना चाहिए तो अच्छा होता। गैज़ ये गैप गैप इसलिए दिया था कि जो गर्मी निकलेगा वो यहाँ से निकल जाए। और गैज़ मैं इसमें फ़ैन का भी यूज़ करने वाला हूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ से जब गर्म होगा तो हवा इसे खींच लेगा इस तरफ, तो क्या होगा जो गर्म हवा होगा बाहर की ओर चला जाएगा। तो इस तरह से मैं एम्पलीफायर बनाने वाला हूँ। गैज़ मैं आपको कैबिनेट दिखा देता हूँ किस तरह का कैबिनेट होगा और किस तरह से मैं फिट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, इसमें TJB कंपनी का जो IC है वो यूज़ किया गया है। ये 3 TJB कंपनी शायद बढ़िया कंपनी है, हमको पता नहीं, मुझे पता नहीं, बट ये बोर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस बार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बोर्ड लेके। तो गाइज मेरे पास 5.1 बोर्ड भी है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो गाइज ये वाला जो बोर्ड था, मैं आपको एक बार बताना ही भूल गया, इसमें बेस, ट्रेबल, वॉल्यूम तीनों चीज़ दिया हुआ है जो कि हर बोर्ड में अवेलेबल ही नहीं होता है। तो गाइज ये वॉल्यूम लेना ज़रूरी है आपको, 2 चैनल वाला एक वॉल्यूम ले लीजिएगा और एक सिंगल चैनल वाला 2 वॉल्यूम ले लीजिएगा और उसका नॉब भी ले लीजिएगा। और गाइज मैं आपको जिप टाइज भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, वायर का कनेक्शन जब हो जाता है पूरा तो आपको उसको वायर को एक जगह करने के लिए जिप टाई का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है एम्पलीफायर, घटिया लगेगा देखने में। तो ये रहा जिप टाइज, तो आप ये इसका यूज़ कर सकते हैं। और गाइस इसको स्विचेस आपको लेना पड़ेगा, LEDs लेना पड़ेगा होम थिएटर बनाने के लिए, जैसे इंडिकेटर वगैरह के लिए। देखिए गाइस यहाँ पे बहुत सारा सामान परचेस करके रखा हुआ है, ये देखिए ये सब लेना पड़ेगा आपको। गाइस आपके पास सामान अवेलेबल होना ज़रूरी है, नहीं तो आप कोई भी सामान नहीं बना सकेंगे ईजिली। ये आपका फ्लक्स वायर, सोल्डरिंग वायर, ये सोल्डरिंग आयरन, आपके पास सब कुछ होना ज़रूरी है, नहीं तो आप ये सब बनाएं ना बनाएं तो ही अच्छा। आपके पास सब कुछ होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं आपको ग्लास ग्लू गन है या फिर ये सब है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट्स है वो सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप बना सकें। गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ सामान, ये देखिए गाइस। फ्रेंड्स मैंने ये 2 ट्रांसफार्मर लिया है और यहाँ पे एक 4.5 इंच का सबवूफर और ये जिप टाइज, ये 2.1 होम थिएटर किट, यहाँ पे स्पीकर 4 पीस, और यहाँ पे कैपेसिटर, ये फैन मेरा पास पुराना वाला ही है। और गाइज यहाँ पे मैंने सोचा था कि 2.1 होम थिएटर में ये वाला सब ऊपर लगा दे, 5.5 इंची का आपका ये 8 ओम्स में दे दिया मुझे, 4 ओम्स मांगा 8 ओम्स में दे दिया। देखिए गाइज 8 ओम्स में दे दिया 40 वाट। तो ये सबसे बड़ा मेरा दिक्कत हो गया, तो मैं इसे 5.1 होम थिएटर किट में यूज़ करूँगा ताकि जो आई से जो हीट ज़्यादा ना हो। और गैस यहाँ पे रबर बैंड भी रखा हुआ है कुछ, गैस ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कभी कभी दिखा दे, ये देखिए गैस, ये मैंने रेडियो को ब्लूटूथ एम्पलीफायर में कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए गैस एक तो साउंड आएगा। तो गाइज मेरे कई सारे वीडियो में आपने ये देखा होगा, ये सोलर स्टैंड बनाया था, तो इसी का मैं एम्पलीफायर बना देने वाला हूँ। यहाँ पे एक तो कवर कर दूँगा और यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल, यहाँ पे 3 नॉब दे दूँगा और यहाँ ट्रांसफार्मर, या फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर और यहाँ बोर्ड दे दूँगा कुछ इस प्रकार से। देखिए बोर्ड ऐसे रहेगा, ऊपर की तरफ दे दूँगा, चिपका दूँगा। तो गाइज मैं इस तरह से बना दूँगा, ये मेरा इनक्लोज़र हो जाएगा कैबिनेट। और जो सब ऊपर का कैबिनेट है वो मैंने रेडी कर लिया है आज ही, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये सब ऊपर का कैबिनेट है, कुछ ज़्यादा ही लंबा बना दिया लेकिन अच्छा बना है गाइस। मैंने फेविकॉल चारों तरफ से दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है फेविकॉल, ताकि जो थोड़ा सा भी एयर जो है पास ना हो सके। यहाँ पर हमारा सब ऊपर हो जाएगा, गोल से छेद करके यहाँ सब ऊपर फिट कर दूँगा और यहाँ पे एक छेदा दे दूँगा जिससे कि एयर पास हो सके गाइस।
तो ये हो जाएगा मेरा सबवूफर का कैबिनेट। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, ऐसे ही हमारे वीडियोस में बने रहिएगा। और आगे मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगा होम थिएटर, एक 2.1 होम थिएटर। अगर इस वीडियो पे आप 1000 व्यूज़ कर देते तो गाइस प्लीज़ 1000 व्यूज़ कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए।